हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, दोनों डेक से मैं करेंट एनर्जीज़ लूँगी और उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़। आज के दिन में क्या चल रही हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में कैसी हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज़ कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ आज के दिन में, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, बैलेंसिंग की एनर्जी है। ओके, ये एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी बड़ी ज़ोरदार है। यहाँ पे जब भी आते हैं दोनों साथ में आते हैं तो इन्हें साथ में ही रख देते हैं। ये यहाँ पेरेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं आपके पार्टनर्स, या तो उनकी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मीन्स एक एक करके बताती हूँ, पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो से शुरुआत हुई है, देन वी हैव सेजिटेरियस, वी हैव एरीज, एरीज सेजिटेरियस ये बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, देन वी हैव कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। तो साइन सभी है लेकिन जो मेजर साइन है वो मैंने आपको बता दिए। तो एनर्जी वाइज सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ जो मैरिड है, मतलब आप अपने हस्बैंड या आप अपनी वाइफ को लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आपके लाइफ में ये ज़रूर बता दूं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, या अगर आपके बच्चे हैं या आपके साथ जो भी इनकी मेमोरीज़ हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और इन्हें पछतावा भी है अगर इन्होंने किसी के भड़कावे में आकर आपसे सेपरेशन किया है, या आपको ट्रिगर दिया है, या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रियलाइज़ करें उस सिचुएशन को। ये भी हो सकता है वाइस वर्सा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ लें कि वो उन्हें गलती का एहसास है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्हें गिल्ट है, पछतावा है, रियलाइजेशन की एनर्जी में है। अगर इन्होंने किसी के भड़कावे में आकर गलत डिसीजन लिया है या आपको हर्ट किया है, तो ये आने वाले समय में आपको अपने प्यार का कप लेकर आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं या आने वाली हैं, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। सेकंड सिचुएशन उनकी है जिनमें दोनों पर्सन अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं, या कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में बवाल मचा हुआ है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, किसी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, चाहे इनके पेरेंट्स के साथ, चाहे इनकी फैमिली में अगर वाइफ हैं या हस्बैंड है उनके साथ, बट ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। या तो इनकी फैमिली में आपके बारे में कुछ पता चल गया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, फिर भी ये आपकी तरफ आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और
इमोशंस भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी समय से है लेकिन अभी तक बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, कमिटमेंट नहीं मिली है। थर्ड सिचुएशन उनकी है जो सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर, उनके पेरेंट्स के साथ बहुत बवाल होने वाला है यहाँ पर, या तो करियर या पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की एनर्जी है और करियर की एनर्जी है। या तो करियर में सेटल नहीं है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं इसलिए अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मे बी ही और शी विल टेक सम टाइम, और या तो फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसलिए इनको भी हर्ट नहीं करना चाहते, दोनों सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो इन्हें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं और ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे इनके पेरेंट्स इनको कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों या कर रही हों। तो ये मैंने तीनों की एनर्जी बता दी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। इस डेक से भी देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। जस्टिस, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव द स्टार। द लवर्स। ये कार्ड बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे। मैं काफ़ी समय तक ये कार्ड लेकर बैठती हूँ और इस कार्ड में एनर्जी है, देखिए डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। इस कार्ड में एनर्जी नहीं है बट इस कार्ड में एनर्जी है। सेवन ऑफ कॉइन्स, क्या एनर्जी है? नहीं है। इस कार्ड में एनर्जी है, सी द वाइब्रेशन, आपके स्क्रीन पे फील कर सकते हैं आप इस कार्ड की एनर्जी को। बहुत प्योर कनेक्शन होता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, बहुत प्योर कनेक्शन होता है। और इस कार्ड को मैं घंटों लेकर देखती हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स। फाइन, यहाँ से भी साइन सभी है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है एंड द स्टार। यहाँ पे भी सभी साइंस हैं। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत होपफुल हैं, आपके साथ अपनी जर्नी, अपने लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ से एम्परर, एम्प्रेस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ से थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी है, प्लानिंग कर रहे हैं। किसी भी वजह से अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको खोना ना पड़े, ये आपको किसी भी हाल में खो नहीं सकते, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। प्लस अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं तो वो फटाफट से रिलीज़ हो रही हैं और हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। एनर्जी सेम है, पॉजिटिव है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन, थ्री थ्री फोर फोर, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। सिक्स सिक्स, गुड, सब साथ में आ रहे हैं, फ्रेंडशिप निभा रहे हैं सब। देखो फोर फोर, देन वी हैव थ्री थ्री, देन वी हैव सिक्स सिक्स, ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर फोर, ठीक है।
विद इन 4 आवर्स आज के दिन में या विद इन 4 डेज, आप में से कई लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं, थर्ड पार्टी से मूव कर लेंगे, अपने शैडो पे काम करेंगे, जितना भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थे या कर रही थी उन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको खो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। इवन अगर आप में से कई लोग रीयूनाइट हो चुके हैं, एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल बैलेंस्ड, तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है आने वाले समय में। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 4 मंथ्स या विद इन 4 वीक्स आप में से कई लोगों को शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये भी बता दूं कि आने वाले 4 दिन कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी होंगे। ये वो लोग हैं जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, अगर कार्मिक पार्टनर है तो ब्रेकअप भले ना हो लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि कार्मिक का काम ही है ट्रिगर करना, ठीक है। तो आपको किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है कार्मिक से, ये ज़रूरी नहीं कि ये कार्मिक आपके पार्टनर ही हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई कार्मिक है, चाहे वो आपकी मॉम हो, डैड हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई कलीग हो या बॉस हो, किसी भी कार्मिक से आने वाले 4 दिन या 4 घंटे के अंदर आपको हैवी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, जिससे कि आपका दिल टूट सकता है, रो सकते हैं आप, पर्जिंग की एनर्जी हो सकती है, बहुत गुस्सा आ सकता है आपको, तो अवेयर रहिएगा। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो भी हैवी पर्जिंग से गुजर रहे हैं, शैडो पे वर्क चल रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं जबकि अनब्लॉक हैं, तो भी उन्हें फोर्स मत कीजिए, स्पेस दीजिए पूरा, आपको आने वाले समय में सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है? कई लोगों के पार्टनर इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फैमिली उनकी शादी तय कर रही है, बेस चक्रा की एनर्जी है, तो ये इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे उन सिचुएशन से। क्यों क्यों करेंगे इमोशनली विड्रॉ? 9-9 एंडिंग होगी साइकिल की, 9-9 की एनर्जी आ गई, सफरिंग इन साइलेंस, क्योंकि ये खुश नहीं है उस सिचुएशन में, तो ये कुछ साइकिल्स एंड होंगी इनके लाइफ में। फॉर अ न्यू बिगनिंग, विजडम, पावर गेन कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? वाओ क्या बात है, इस पे तो बनता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ओके 1-1 मिसिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है। इसके बाद मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं करना है, वही एनर्जी नेगेटिव मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। चलिए आप कहेंगे मैडम ने आधा ही क्लैरिफाई किया। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है? ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, पावरफुल डिसीजंस लेंगे, डेथ की एनर्जी है, मदर गाया की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेशंस से गुजर चुके हैं ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं ऑलरेडी, और अब यहाँ पर ये जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, खुद को बंधा हुआ, फंसा हुआ, रोता तड़पता फील कर रहे हैं, पावर की एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आएंगे, और निकल जाएंगे इन सब बंधनों से, जो बंधन इन्हें रोक रहे हैं, इनकी ग्रोथ में अड़ंगा डाल रहे हैं। और ये किसकी वजह से होगा? माँ की वजह से। यहाँ पे यूनियन भी मदर गाया की एनर्जी से ही होगा, तो अगर आप होपलेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल होपलेस ना हो, मदर की एनर्जी हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। और अवेयर हो रहे हैं आपके पार्टनर्स, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, सो ऑलवेज मेंटेन पेशेंस। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके कुछ कार्ड्स ब्लिंक क्यों करते हैं? एक्चुअली में मेरे सारे कार्ड्स ब्लिंक करते हैं, बट डिपेंड करता है कि कब किसका मूड हो, कब कौन सी एनर्जी पावरफुल मूड में है। समटाइम्स कोई नेगेटिव एनर्जी भी बड़े पावरफुल उसमें ब्लिंक करती है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, मतलब वो जताने की कोशिश करते हैं कि कुछ है, तो समझ जाते हैं। और मदर गाया की एनर्जी और सन की एनर्जी, ये और डिवाइन फैमिनिन की एनर्जी, ये 2-3 एनर्जीज़ हैं मेरे कुछ डेक्स में जो हमेशा ही बहुत पावरफुल एनर्जी रखते हैं, और मैं मानती भी बहुत हूँ, चाहे वो सूर्यदेव हों, चाहे वो यूनिवर्स की एनर्जी हो, मेरी ज़िंदगी में इन लोगों का ही रोल है, और मेरा सोल पर्पस भी इन्होंने ही दिया है, तो ऑफकोर्स इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, और मैं फील करती हूँ 24/7 इस एनर्जी को। तो थैंक यू मदर गाया, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा।
लव यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। अरे अरे अरे, क्या हो गया आप लोगों को? मेरे हाथ से डेक बहुत छूट रहे हैं, घायल हूँ मैं, घायल, चोट लगी है मेरे हाथ में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में? होम कमिंग, अपने एग्जिस्टेंस को पहचानिए, आपका एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है। तपिए, तप रहे हैं आप में से कई लोग। जैसे सोना होता है ना, या डायमंड होता है, उसको निखारा जाता है, तपाया जाता है, तब वो खिलकर आता है, वैसे ही आपकी अवेकनिंग चल रही है। हर्ट होगा, पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, रोएंगे, परेशान होंगे, टूटेंगे, उसके बाद अवेकनिंग होती है। पूरी तरह से तोड़ने के बाद भगवान हाथ थामते हैं। तब तक नहीं थामते हाथ, मतलब गोद में लिए रहते हैं आपको, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर रहता है कि वो तब तक आपको कर्मा ट्रिगर देता है जब तक आप पूरी तरह से भगवान पर सरेंडर नहीं कर देते कि हे प्रभु, अब आप ही हैं, अब मैं कोई एफर्ट नहीं डाल सकता या नहीं डाल सकती। तब भगवान आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं हमेशा रहूँगा, यार, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। तो तप रहे हैं आप में से कई लोग, तपिए, तप कर हीरा बनिए और हीरा बनकर चमकिए और अपनी शाइन से दूसरों को भी चमकाइए। सिक्योरिटी, आप में से कई लोगों को बड़ा फियर है, घर बार, गाड़ी बंगला, इन्वेस्टमेंट, इन सब से ऊपर उठिए। ये सब भी है, आपके कर्मा हैं, आपको करने हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए, खाना तो दो ही रोटी है। सो यहाँ पर आपको कुछ स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत पड़िए। आपकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं तो हो सकता है आपको ट्रेन के ड्रीम्स बहुत आते हों, या प्लेन क्रैश, एरोप्लेन, इस तरह के ड्रीम्स आपको बहुत आते हों, जर्नी के ड्रीम्स बहुत आते हों। समझ लें कि आपकी जर्नी अगर भगवान के हाथ में है तो उन पर सरेंडर कीजिए, उनकी पावर को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, जागृत होइए, ठीक है। मोह माया, 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी मायने रखती है, आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं वो मायने रखता है। तो ये एंजल्स की तरफ से आज के लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।